मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर एक्टिव रहा प्रशासन, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान प्रारंभ। नेता कार्यकर्ता समाज सेवी सभी ने दिखाई जागरूकता, वरिष्ठ नेता और धर्म गुरुओं ने भी दी प्रेरणा। गर्ल्स कॉलेज में पीएससी परीक्षा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर, किया निरीक्षण। और जिले के सांसद नकुलनाथ ने भरी 47 जरूरतमंद बच्चों की फीस, 7,60,000 राशि के चेक वितरित। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा, और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आज मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार 11 बजे सायरन बजाकर सभी को कोविड-19 से सुरक्षा के लिए मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान चलाया गया। कोशिश ये कि सभी मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं ताकि संक्रमण चेन को तोड़ा जा सके। इसी कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, नगर निगम कमिश्नर, एएसपी, तहसीलदार, ये सभी अधिकारियों ने शहर के मुख्य मार्गों पर घूमकर लोगों को समझाइश दी। अपने तो लगाया करो, किसी को बोलना ना पड़े। तो देखो भाई, मास्क एक और समझा दो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर अभियान के अंतर्गत स्टेशन क्षेत्र में भाजपा नेता, पूर्व जिलाध्यक्ष दौलत सिंह ठाकुर, सभापति शिव मालवी, अभिलाष गौहर, हिमाचल ठाकुर द्वारा लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया गया। आज ये अभियान का आयोजन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए आह्वान किया है कि आज हम सांकेतिक रूप से 8 बजेगा और हम लोग करवाएंगे और आकर के जनता को समझाएंगे, व्यापारियों को समझाएंगे, जिनको मास्क नहीं है उनको मास्क पहनें। क्या इस अभियान में जनता सहयोग कर रही है? पूरी तरह 100%। और ये अभियान कब तक जारी रहेगा? ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कोरोना को हम लोग समाप्त नहीं करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व महापौर कांता सदारंग और भाजपा के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की और जिनके पास नहीं थे उन्हें निशुल्क मास्क भी बांटे। दुकानों के सामने गोले बनाए गए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। निकलना है, मास्क जरूरी है।
छोटी पीछे पीछे चलो बहुत बढ़िया बॉस 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 सामने तो हटो यार आज भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में एक साल पूरे हुए हैं, लेकिन पिछले साल जो स्थिति थी भाजपा की सरकार बनने में और आज भी वही स्थिति है कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। पिछली बार भी हम लोगों ने जन जागरूकता चलाए थे और बीच में कोरोना खत्म होने पर आ गया, लेकिन हम लोगों की लापरवाही के कारण फिर से कोरोना बढ़ रहा है। आज एक साल पूरे होने के अवसर पर हम यही संदेश दे रहे हैं कि सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इसी से हम कोरोना को भगा सकते हैं। साथ ही साथ मैं सबसे निवेदन करता हूं कि वैक्सीनेशन का काम चालू हो गया, जो भी उम्र की पात्रता रखते हैं उस उम्र की पात्रता वाले जाकर के वैक्सीनेशन करवाएं। कोरोना से जंग जो हम जीत सकते हैं इसी तरीके जीत सकते हैं। आज पूरे नगर में और पूरे ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मास्क वितरण किए जा रहे हैं, साथ ही साथ ये संदेश दिया जा रहा है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर समूचे प्रदेश में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जागरूकता का जन अभियान प्रारंभ हुआ। पूर्व जिलाध्यक्ष एवं आरएसएस संघ सेवक रमेश पोफली भी अपनी टीम के साथ फवारा चौक पर सभी से मास्क पहनने की अपील की। मास्क वितरित किए गए और फवारा चौक के पास की दुकानों के सामने अपने हाथ से खुद गोले बनाए और कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइंस का पालन करने को कहा। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के आह्वान पर कोविड 19 को देखते हुए दोपहर ठीक 11 बजे और शाम को ठीक 7 बजे सायरन बजेगा और सायरन बजाने के साथ मास्क का वितरण और सोशल डिस्टेंसिंग के दृष्टि से गोले बनाने का यह कार्यक्रम आज यहाँ फव्वारा चौक में हमारी संपूर्ण टीम के द्वारा और आयोजित किया गया। इसी माध्यम से यह कार्यक्रम आज शाम को 7 बजे भी होगा और 7 दिन तक लोगों में जागरूकता लाने के दृष्टि से सायरन बजेगा 11 बजे और 7 बजे और यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से जनता के हितों के सुरक्षा के दृष्टि से, जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य है तो जान है तो जहान है, इस प्रकार के भाव को रखते हुए कोरोना से सख्ती से निपटने के दृष्टि से और हमारे मुख्यमंत्री के इस आह्वान को हम सब लोगों ने आज यहाँ पर सफलतापूर्वक संपन्न किया। मैं निश्चित रूप से इस अवसर पर यह कहूँगा कि छिंदवाड़े की जनता ने मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग को करना,
साथ ही में साबुन से बार बार हाथ धोना और पूर्ण रूप से स्वस्थ रहकर मस्त रहो इस भाव के साथ और सहयोग प्रदान करें, ऐसी अपेक्षा हम आज के दिन यहाँ पर करते हैं और सभी को स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान की शुरुआत आज सुबह 11 बजे सायरन बजाकर इंद्र तिराहे पर हुई। अभियान के शुभारंभ अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, कलेक्टर सौरभ सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल, एसडीएम अतुल सिंह, कमिश्नर नगर निगम हिमांशु सिंह, पूर्व महापौर कांता योगेश सदारंग सहित अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। पूरे प्रदेश में 11 बजे से लेके 11:02 पे माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे सायरन बजाया गया है कोरोना की जागरूकता के लिए। हम लोगों का प्रयास है इसके बाद हम लोग घूम घूम के ऐसे सभी लोगों को जो मास्क लगाए नहीं दिखेंगे उनको मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाए, मास्क लगवाया जाए। ऐसी सभी दुकानें जिन्होंने फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए व्यवस्थाएँ नहीं की हैं वहाँ वो व्यवस्थाएँ कराने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। प्रतीक स्वरूप कई दुकानों पे हम लोगों के द्वारा भी गोले बनाए जा रहे हैं। मूल मकसद ये है कि अभी जब कोरोना का प्रकोप बढ़ा हुआ है ऐसी स्थिति में जनता जो है वो जागरूक रहे और खुद को कोरोना से बचाने के लिए कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बताया गया है उसका पालन करें। राजमाता सिंधिया महाविद्यालय में चल रही पीएससी परीक्षा में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर सौरभ सुमन के साथ एसपी विवेक अग्रवाल भी मौजूद थे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के जरिए बच्चों में कौशल विकास का प्रयास स्कूल शिक्षा विभाग की सराहनीय पहल है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम की आवश्यक गतिविधियों के अंतर्गत उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए आज एफडीडीआई का भ्रमण किया। लगभग 22 एकड़ में बना हुआ एफडीडीआई जिसमें फुटवेयर डिजाइन और फैशन से संबंधित कई कोर्स होते हैं, ये समूचे भारत में सिर्फ 12 यूनिट ही है। दूरदर्शी, जनहितैषी, विकासमूलक सोच रखने वाले जनप्रतिनिधि जिस जिले को मिले हैं वह भाग्यशाली जिला है छिंदवाड़ा। राजस्थानी एम्ब्रॉयडरी और अलग अलग स्टेट की एम्ब्रॉयडरी बताया हुआ है और इस तरीके से टेक्सटाइल का पार्ट कवर किया हुआ है।
सेक्शन का लैब है, इसी लैब में ये बच्चे गारमेंट बनता कैसे है, स्टिचिंग कैसे करते हैं वो सीखते हैं। और यहाँ पे बच्चे आपको देख रहे होंगे, इनके बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों आए हुए हैं, जो इनको की जानकारी लेने के लिए कि FDDI में फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट में कौन कौन से लैब और किस लैब का क्या यूटिलाइज है और कौन कौन से टाइप इन सब्जेक्ट में काम होता है, तो वो मैं प्रदीप मंडल, फैशन डिजाइन विभाग के प्रमुख। अभी आज के दिन मुखेर से एक्सेलेंस स्कूल के बच्चे अपने टीचर्स के साथ आए हुए हैं, जहाँ पे फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट में उन्होंने जाना कि किस किस बेसिक से लेके एडवांस में कितना क्रिएटिविटी है, किस किस तरीके के डिज़ाइन में इन लोगों को क्या स्कोप है, नए सब्जेक्ट का जानकारी इनको मिला है, और जिसमें कि टेक्सटाइल से रिलेटेड जितने भी एक्सपोजर है उन्होंने समझा कि एक्चुअली टेक्सटाइल डिज़ाइन में क्या क्या और फैशन डिज़ाइन में क्या क्या स्कोप है और कैसे कैसे डिज़ाइन का करा जाता है, तो वो सारी जानकारी इन्होंने लिया है। बट हमने इस चीज़ को थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग में रहते हुए सभी को मास्क कंपलसरी करा हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग में रहते हुए इनको सारे डिस्प्ले और सारी चीज़ों को दिखाया है। मैं प्रकाश देहरिया, हायर सेकेंडरी स्कूल मोखड़ से व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत पढ़ने वाले 12th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर के FDDI में आया हुआ। यहाँ पर बच्चों ने जो है आकर के फैशन डिजाइनिंग और फुटवेयर डिजाइनिंग से संबंधित जो है प्रशिक्षण और कोर्स से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त की है। बच्चों को इसको काफ़ी कुछ जो है सीखने को भी मिला है और इससे जो है बच्चे जो है आगे चल करके इस क्षेत्र को भी जो है अपने कोर्स के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए जो है इसको चुन सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा वैसे बच्चों को यहाँ पर आकर के, और बच्चे जो है काफ़ी कुछ जो है सीख करके यहाँ से जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि बच्चों को इससे जो है काफ़ी फायदा मिलेगा भविष्य में। मेरा नाम लिपि परिहार है, मैं यहाँ पर 6th semester की स्टूडेंट हूँ, फैशन डिज़ाइनिंग में मैं पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर आज हमारे साथ मोखेड से एक्सेलेंस स्कूल से बच्चे आए हुए थे, जिन्हें हम लोगों ने इंगेज किया, जिन्हें हम लोगों ने इस सब्जेक्ट के बारे में बताया कि आगे करियर ऑप्शंस क्या होते हैं या उसमें क्या स्टडी होती है, कैसे होती है। तो वही सब इन्हें हमने इन्हें लैब दिखाया हमारे, क्या काम होते हैं सारे काम, और कैसे ये लोग यहाँ पर एडमिशन्स ले सकते हैं और आगे क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, वही सब हम लोगों ने आज यहाँ पर दिखाया। हेलो, माय नेम इज गंगा श्रीवास, मैं यहाँ पे अपने टीचर्स के साथ आई हूँ और अपने स्कूल बैच के साथ आई हूँ। यहाँ पे आके मुझे बहुत कुछ सीखने भी मिला और यहाँ की जो दीदी है जो यहाँ पे स्टडी करती है उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया है और बताया है। दो दिन के बाद खुली गुरैया सब्जी मंडी का नजारा देखने लायक था। प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद व्यापारियों व सब्जी विक्रेताओं में कोरोना के खौफ जैसी कोई बात नजर नहीं आई, ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए सिटी हलचल। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वहता चौक छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन। लॉन में विशेष सुविधाएं, लॉन,
60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 एसी रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर, वोहता चौक, छिंदवाड़ा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केवल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानून अपराध है। अगर कोई केवल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162-298-001, फोन नंबर है 07162-298-001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बड़वन में छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गली में बिना मास्क वालों की नो एंट्री कर दी है। रोको टोको अभियान कैसा हो यह दिखाई दिया बच्चों की इस सक्रियता में। रोको! 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 आज हम लोग मास्क पहनो आंदोलन कर रहे हैं, हम सब बच्चे मिलकर, और हमने ये कुछ पोस्टर छपवाए और जगह जगह पर लगवाए हैं पोस्टर। बेटा आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है करने की? हम लोगों ने खुद नहीं सोचा। पहले तो हम गुटखा आंदोलन करना चाहते थे, फिर उससे ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला, फिर हमने मास्क आंदोलन किया कि मास्क पहनो आंदोलन, तो उससे हमको ज्यादा रिस्पांस मिला, तो हमने यही काम शुरू कर दिया। विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत जरूरतमंद 47 बच्चों की लंबित फीस एवं आगे की पढ़ाई के लिए लगभग 7,60,000 की राशि जिले के सांसद नकुलनाथ ने प्रदान की है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने छात्र छात्राओं को चेक वितरित किए। देखिए, जुनेद खान
आज जिले भर के हमारे गरीब छात्रों के लिए जिनको शिक्षा व्यवस्था में तंगी के कारण बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत जाती, माननीय कमलनाथ जी को उन्होंने आवेदन किया था, हमारे जिले के सांसद नकुलनाथ जी को उन्होंने आवेदन किया था, माननीय कमलनाथ जी नकुलनाथ जी ने उनके परिवारों की स्थिति समझी, देखी और उन पे प्रत्येक परिवारों के लिए स्कूल के नाम से या जिस भी जहाँ भी पढ़ रहे उनके नाम से उन्होंने आज आर्थिक सहायता की है। लगभग 10 लाख रुपये चेक के रूप में विभिन्न ब्लॉकों में विभिन्न गांवों में हमारे खेतीबाड़ियों को दिया गया है। मैं सभी पालकों को धन्यवाद बधाई देना चाहूँगा और आपसे कहना चाहूँगी अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई करें। माननीय कमलनाथ जी नकुलनाथ जी के प्रति आभार जिन्होंने यह सहयोग किया। लगभग इसमें प्रत्येक ब्लॉक के लगभग 50-60 लोग हैं टोटल, और राशि जो है वो अलग अलग मिला के कुल मिला के 10 लाख के आसपास रुपये है। शहीद दिवस पर मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन ने शहीद स्मारक पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हमर शहीद, हमर शहीद, हमर देश के शहीद, हमर शहीद, हमर शहीद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दिनांक 23 मार्च 2021 को नगर के शहीद स्मारक पर मध्य प्रदेश पेंशन एसोसिएशन के समस्त सदस्यगण, सर्व जागृति गण परिषद के सदस्यगण एवं मध्य प्रदेश सेवा निवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स के सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं और शहीद दिवस के रूप में यहाँ पर शहीद स्मारक पर शहीद भगत सिंह को जितने भी हमारे देश के शहीद हुए हैं उनके याद पे यहाँ पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और दीप प्रज्वलित करके उनको याद कर रहे हैं तथा उनके कर्मों के बारे में यहाँ पे हम लोग चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और देश से आह्वान करते हैं कि इसी तरीके से हमारे देश ने जो कुर्बान किए हैं उसकी कुर्बानी को हम याद करें और सतत उनके मार्ग बताए हुए मार्ग पर हम चलते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कांग्रेस सेवा दल ने आज शहीद दिवस पर स्टेडियम के सामने शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर आजादी के अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की पुण्यतिथि मनाई गई और तीनों महान आत्माओं को कांग्रेस के बदल ने शहीद स्मारक पर याद किया गया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिन शहीदों ने अपने प्राण निछावर कर दिए ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को कांग्रेस के बदल हमेशा याद करता है और उन्होंने जो देश में योगदान दिया जिसकी वजह से आज पूरा भारत देश आज स्वतंत्रता के सांस ले रहा है, ऐसे माही शहीदों को कांग्रेस से बदल आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। होली के पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आज जिला पंचायत सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम नहीं होंगे, होली को घर पर ही मनाया जाए। स्थानीय दशहरा मैदान में होने वाला हराम खाओ टाइम्स इस बार वैश्विक महामारी के चलते कोविड-19 गाइडलाइंस के नियमों का पालन करते हुए राजा की बगिया में आयोजित किया जाएगा। आस पड़ोस सबसे ये प्रण दिलवाना पड़ेगा कि भाई इस बार होली आप अपने बिल्डिंग्स के अंदर, अपने प्रीमाइसेस के अंदर ही मनाएं। हम लोगों की तरफ से बहुत ही साधारण सा ये 2 पॉइंट का प्रपोजल है होली के लिए। जब से शुरू होता होगा तब से लेके जब तक चलता होगा तब तक 29 तारीख कैलेंडर के हिसाब से होली है, फिर परंपरा के हिसाब से 1 दिन 2 दिन पहले 2-4 दिन आगे तक जो भी कार्यक्रम होते होंगे सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम
कम से कम होली के नाम पे जो होते हो उसको अगर हम वर्जित कर लें और केवल प्रतीक स्वरूप मनाए तो बेहतर होगा। था तो जनप्रतिनिधि से लेकर सभी को यह मालूम रहता था किस अधिकारी संपर्क करेंगे, किस विभाग से संपर्क करेंगे तो लोगों का इलाज हो जाएगा। दरअसल कोरोना पे हमारा पूरा ध्यान केंद्रित है, लोग एक्सीडेंट में बेमौत मर रहे हैं, लोगों की लापरवाही के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण वहाँ मौतें हो रही है। तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आप अपने संयुक्त कलेक्टरों में से एक विशेष अधिकारी को सिर्फ जिला चिकित्सालय की देखरेख के लिए रख दें, जिससे कि कोरोना के कारण जो नुकसान हमारा इधर हो रहा है जरूर ध्यान दें। फील्ड ऑफिसर जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जिनका काम स्क्रीनिंग वगैरह है, वो शुरू करेंगे और उनको जैसे जैसे अस्पताल भेजने की बारी आएगी तो वहाँ का सुदृढ़ीकरण हम लोग अपने हाथ में लेके करेंगे। ऑलरेडी हम लोग उस दिशा में तो अपनी व्यक्तिगत दुकानदारी जमाने के लिए जगह जगह निजी जिला चिकित्सालयों में अपना उन्होंने तनखा ले रहा है, वहाँ से वो पूरा ध्यान उनका केंद्रित है निजी अस्पतालों में, यहाँ कर्तव्य निष्ठा छोड़कर वो सिर्फ वहाँ पर नोट कमाने के लिए लगे हुए हो, जिससे कि जो बात हो रही है उसको करने में आसानी हो। तो आमंत्रित है ऐसे सुझाव, क्योंकि हर कहना आसान है उसको जमीन पे उतारने में कठिनाई होती है। यदि किन्हीं के दिमाग में कोई ऐसे विचार आ रहे हो कि चले जाइए, कि एक दिमाग से उतनी बातें नहीं आती है, एक कलेक्टर का दिमाग, एक SP का दिमाग, बाकी हमारी एक टीम है उसका दिमाग, आप लोग ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इंगित कर देंगे तो हम लोग पंडाल रहता है उस हिसाब से। तो हमारे जो भी प्रभारी वगैरह जो रहते हैं पुलिस विभाग जो है, उस समय सर अंदर से गुड़ावत कर दिया जाए कि अगर आप, क्योंकि लड़कों का ज्यादा ये रहता सर, लड़के लोग इस टाइप के खाना खाना सर उन्हीं लोगों का ज्यादा है, तो समझाइश दे दी जाए उस समय। ऐसा आयोजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, संक्रमण तक जो फैले ऐसा आयोजन नहीं होना चाहिए, और जिससे संक्रमण फैलता है वो कोई भी आयोजन नहीं होना चाहिए होली का। और कोई इस तरफ से बोलना चाहे सर, उस आयोजन को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बहुत सीमित संख्या में सिर्फ परंपरा का निर्वाह करने के लिए राजा की प्रति हम करने का 100-150 लोग या जितना आप बोले 50 बोले तो 50 लोग के जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक थी, जिसमें आने वाले त्यौहार जो होली का त्यौहार है उसके स्वरूप पे विस्तृत चर्चा की गई और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि इस बार होली में जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम हैं उनको सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा, उसमें कोई भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं की जाएगी, किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा, और जितने कार्यक्रम जो धुरेड़ी वगैरह के कार्यक्रम होली के दिन होते हैं वो लोग अपने अपने घरों में ही मनाएंगे, उस त्यौहार को इस बार सड़क पे और सार्वजनिक स्थल पर नहीं लेके आएंगे। मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय अखबार, सबसे अनूठा कार्यक्रम और बड़ा चर्चित कार्यक्रम हराम खाऊ टाइम्स परिवार, जो 33 वर्षों की परंपरा का निर्वाह करते हुए छिंदवाड़ा में होली का उत्सव के रूप में यहाँ पर मनाते आया, होली की पूर्व संध्या पर जो कार्यक्रम होता था वो पूरे मध्य प्रदेश में चर्चित रहा है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी की वैश्विक महामारी है, छिंदवाड़े के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हराम खाऊ टाइम्स परिवार ने यह निर्णय लिया है कि इस वर्ष बड़े शालीनता से दशहरा मैदान में कार्यक्रम न करते हुए एक किसी बंद हाल में कार्यक्रम 20 से 25 लोगों की उपस्थिति में वह कार्यक्रम करके लोगों के तक हराम खाऊ टाइम्स का अखबार पहुंचाएंगे और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरा कार्यक्रम करेंगे। हम आने वाले वर्ष में अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करेंगे ऐसा विश्वास दिलाते हुए इस वर्ष के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। इस वर्ष का कार्यक्रम दिनांक 27 मार्च शाम 7 बजे से स्थानीय राजा की बगिया में आयोजित होगा, प्रतीक स्वरूप में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आज आयोजित होगा, और जिसमें छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल सुश्री अनसुईया दीदी के हस्ते हराम खाऊ टाइम्स का इनॉग्रेशन कार्यक्रम पूरे गरिमामय तरीके से परंपरा का निर्वाह करने की दृष्टि से किया जाएगा। इंदिरा प्रदर्शनी मैदान में इन दिनों बालाजी का क्रिकेट टूर्नामेंट प्रारंभ है, प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रतिदिन क्रिकेट प्रेमियों को 2-2 रोमांचक मैचों की श्रृंखला देखने को मिल रही है। सूर्य के सामने दिया दिखाने वाली बात है, आप लोग को बता दूं कि आज का जो संयोग बना है वो इतना अच्छा संयोग बना है कि एक अनुसरण दिवस भी शहीद दिवस के रूप में आज हम मनाए, जिन्होंने पूरा जीवन खेल में लगा दिया, और आप देखिए यहाँ पे मैं किसी को भी चुनौती दे दूंगा मेरी उम्र से लेकर किसी भी जवान से कि इनके साथ 1 घंटे बैडमिंटन खेल ले, टीम को गौरवान्वित करें और सभी का बहुत बहुत आभार, इसी तरीके से प्यार मोहब्बत और सहयोग आपका आशीर्वाद बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो
मोटो मैं लिखा हूँ, प्ले टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, ट्राई टू विन। मगर इसके साथ साथ जीत के लिए जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट धन्यवाद सर। आगे से मैच को प्रारंभ कराने में और उनके मैदान पर आप दोनों विशिष्ट आपसे खुशी मेरे पश्चात लगातार अच्छी गेंद। और पांच रन विकेट श्रीमंत के लिए और दानों के संडोला। बालाजी स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में बालाजी कप 2021, जिसमें आज दो मुकाबले, पहला मुकाबला यूनिक क्लब परासिया वर्सेस सतपुड़ा क्रिकेट क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें शानदार जीत अंतिम गेंद में दो रनों की आवश्यकता थी, जिसमें एक शानदार रनआउट मिड ऑफ के क्षेत्र में आदर्श के द्वारा किया गया। अंतिम गेंद तक काफी रोमांचक मुकाबला, जिसमें सतपुड़ा क्रिकेट क्लब ने जीत अर्जित की। हमारे दूसरे मैच के मुख्य अतिथि शहीद दिवस के मौके पर शहीद मेजर अमित ठेंगे के पिताजी, हम इस सभी के पिता तुल्य श्री ठेंगे सर एवं सालोटकर सर मौजूद थे। और दूसरा मैच में जो अभी प्रगति पर है, जिसमें श्रीमंत पाटनकर ने शानदार 5 विकेट अर्जित किए और एक 68 रनों का लक्ष्य सर्कुलर क्रिकेट क्लब के लिए एसएफ ने रखा। और शहीद दिवस के मौके में काफी बड़ा मैच, जिसमें हमारे सभी के रक्षा सूत्र एसएफ का मैच, जिसमें सभी फौजी भाइयों का मैच। जेल हित में जन सहयोग प्रदान करते हुए सर्वोदय अहिंसा अभियान के अंतर्गत अष्टानिका महापर्व की खुशी में अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन एवं जिनियम कंस्ट्रक्शन द्वारा अमरवाड़ा जेल में सिलाई मशीन भेंट की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन के साथ गगन जैन उपस्थित रहे। सहायक जेल अधीक्षक एडवर्ड स्वामी को सिलाई मशीन भेंट की गई। सौभाग्य है कि आज अमरवाड़ा जेल में पधारे और आदरणीय अधीक्षक महोदय के अपील पर कहले निवेदन की ओर से हमने एक सिलाई मशीन यहाँ कैदियों के लिए रोजगार के लिए उपलब्ध कराई। और मैं जेल परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने हमें अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन को, भाई गगन जी को, हम सबको इस सेवा का अवसर प्रदान किया। और आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि जो भी अमरवाड़ा छिंदवाड़ा में संस्थाएँ हैं स्वयंसेवी, वे जेल का भ्रमण करें और यहाँ जो आवश्यक सामग्री लगती है इन्हें भेंट करें, ताकि हमारे जो कैदी भाई हैं इससे रोजगार प्राप्त करें। अभी फिलहाल जो कोरोना चल रहा है, तो ये जेलर साहब ने बताया कि हम मास्क बनाते हैं और छिंदवाड़ा जेल तक पहुँचाते हैं, लोगों को उपलब्ध कराते हैं। मैं इस नेक काम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिया। शहीद दिवस के अवसर पर कमलनाथ सेना द्वारा आज शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे एवं अन्य कांग्रेस संगठन पदाधिकारियों ने शहीद स्मारक पर कैंडल जलाकर शहीदों को नमन किया। कमलनाथ सेना द्वारा प्रत्येक वर्ष 23 मार्च शहीद दिवस के अवसर पर विशाल मशाल रैली का आयोजन किया जाता था, किंतु इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह आयोजन नहीं किया गया और कमलनाथ सेना के अध्यक्ष विनय राजपूत ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया।
पर पूरे हमारे जिले के नगर के कांग्रेस के पदाधिकारी और सामाजिक गण उपस्थित हैं। 23 मार्च को हमारे देश के 3 शहीदों को, 3 राष्ट्रभक्तों को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी। ये 3 भक्त, 3 राष्ट्रभक्त हमारे शहीद भगत सिंह जी, शहीद सुखदेव जी और राजगुरु जी, तीनों को अंग्रेजों ने बर्बरता के साथ फांसी के सूली पर चढ़ाया। निश्चित ही हम सब लोग आज उनकी याद में, उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हम सब कांग्रेसी, हम सब साथी भलीभांति इस बात से परिचित हैं कि देश को स्वतंत्र कांग्रेस के नेताओं ने कराया, हमारे सेनानियों ने कराया। साथियों, यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष मशाल जुलूस के रूप में हमारे छोटे तालाब से निकलता है। पूरे हमारे शहर के सम्राट नागरिकगण, हमारे कांग्रेस के साथीगण और जितने भी हमारे शहीद परिवार से जुड़े हमारे छिंदवाड़ा के सेनानी हैं, वो सब इसमें शामिल होते हैं। किंतु कोरोना के कारण आज हमने मशाल जुलूस स्थगित किया है। यह जुलूस की प्रेरणा माननीय कमलनाथ जी ने, नकुलनाथ जी ने हमारे साथी विनय राजपूत को दी थी, तो निश्चित ही यह सतत चलने वाली प्रक्रिया हमारी थी। किंतु इन्होंने पूरी टीम के साथ चर्चा करी, कमलनाथ सेना के पूरे पदाधिकारियों से चर्चा करी, आपने जनहित में निर्णय लिया कि आज सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हमारा कार्यक्रम नहीं हो सकता। हम निकले तो भीड़ भाड़ बहुत हो जाएगी, तो कहीं कोरोना ना फैले, इसलिए जनहित में हमारे साथी ने यह स्वरूप छोटा करते हुए हम यहाँ हमने कैंडल जलाया, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और हमने आज यहाँ एक शोक सभा का आयोजन किया है। भारत माता की जय। कांग्रेस कमेटी। शहीद राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को आज 23 मार्च को फांसी हुई थी। इनकी याद में कमलनाथ सेना द्वारा प्रतिवर्ष एक मशाल रैली का आयोजन किया जाता था, किंतु कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार कमलनाथ सेना ने मशाल रैली कार्यक्रम स्थगित करते हुए एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम छोटे रूप में शहीद स्मारक में किया और शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किए। आज के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय विश्वनाथ उक्ते जी एवं कांग्रेस के समस्त नेतागण, पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। और हमारा यह कार्यक्रम हर प्रतिवर्ष होता है, इस वर्ष भी हुआ है, लेकिन इसको हमने इस बार छोटा रूप किए और श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ किए मशाल रैली को कैंसिल करते हुए। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर एक्टिव रहा प्रशासन, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान प्रारंभ। नेता कार्यकर्ता समाज सेवी सभी ने दिखाई जागरूकता, वरिष्ठ नेता और धर्म गुरुओं ने भी दी प्रेरणा। गर्ल्स कॉलेज में पीएससी परीक्षा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर, किया निरीक्षण। और जिले के सांसद नकुलनाथ ने भरी 47 जरूरतमंद बच्चों की फीस, 7,60,000 राशि के चेक वितरित।
ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।